दोस्तों, छात्र व छात्राओं, सादर नमस्कार। मैं आज आपको संस्कृत व्याकरण के संबंध में इससे संस्कृत से संबंधित वर्ण के विषय में बताने जा रहा हूँ कि वर्ण क्या है और इनके प्रकार क्या है और इनके उच्चारण के स्थान क्या है। ये वर्णों से संबंधित जानकारी मैं आपको दूंगा। सबसे पहले मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि वर्ण क्या है। तो वर्ण एक ऐसा अंश है, ध्वनि का वह लघुतम छोटा अंश जो अखंडित हो, जिसका भाग न किया जाए, वह वर्ण कहलाता है। तो इसमें परिभाषा में क्या कहा है कि वह छोटा अंश जिसको हम खंडित ना किया ना कर सकें या वह अखंडित हो, वह वर्ण कहलाता है। जैसे उदाहरण के लिए आ ले लो, आ का चा पा। अब इन वर्णों को हम खंडित नहीं कर सकते हैं और यही वर्ण कहलाते हैं। तो ध्वनि का यानी जो अपनी आवाज निकलती है और अपन जो आवाज निकालते हैं, ध्वनि का वह लघुतम अंश यानी ध्वनि का वह छोटा अंश जो अखंडित हो यानी जिसको खंडित ना किया जा सके। अब आवाज अपनी का की निकल रही है तो का की आवाज अपन का को खंडित नहीं कर सकते हैं। तो यह जो का ध्वनि जो निकल रही है वह एक छोटा अंश है, ध्वनि का एक छोटा अंश है, इसे मतलब हम खंडित नहीं कर सकते हैं और यही अंश जो है वह वर्ण कहलाता है। जैसे अब यहाँ उदाहरण दिया है राम है, उदाहरण के लिए राम है, यह शब्द रा मा आ और आ, तो यह पांच सात ये सा है यहाँ पर, तो यह पांच वर्णों से मिलकर यह राम शब्द रामे शब्द बना है। इसमें से अब इनमें से पांचों वर्णों में से हम किसी को भी खंडित नहीं कर सकते हैं, इनके भाग नहीं कर सकते हैं, इसीलिए ये वर्ण कहलाते हैं। इन शब्दों में ये रामे शब्द जो है इसमें पांच वर्ण का समावेश है और इन पांच वर्णों में से हम किसी को भी खंडन नहीं कर सकते हैं या उनके भाग नहीं कर सकते हैं, इसीलिए ये वर्ण कहलाते हैं। तो अब मतलब क्या है, संस्कृत माला वर्ण माला में 50 वर्ण होते हैं। पहला अपन ने समझा कि वर्ण किसे कहते हैं, तो वर्ण ध्वनि का वह एक छोटा अंश है जिसको हम विभाजित नहीं कर सकते या खंडित नहीं कर सकते हैं, उसे हम वर्ण कहते हैं। ये वर्ण की परिभाषा हो गई, यानी अब आप समझ गए कि वर्ण क्या है या वर्ण किसे कहते हैं। तो ये वर्ण की परिभाषा है। अब वर्ण संस्कृत में कितने होते हैं ये मतलब बताना है। तो संस्कृत में वर्ण 50 होते हैं, जिसमें से 13 वर्ण जो है आ आ ई ई ऊ ऊ रे ऊ ऊ ए आई ओ औ, और ये तीन जो वर्ण है ऋण लृ और ऋण, ये 13 इस प्रकार से, ये 13 इनकी संख्या स्वर वर्ण की। ये संस्कृत वर्णमाला में 50 होते हैं और ये इन वर्णों को हम दो वर्गों में विभाजित करते हैं, यानी जो वर्ण है 50 उनको हम दो वर्गों में विभाजित करते हैं, पहला स्वर वर्ण और दूसरा व्यंजन वर्ण। तो जो वर्ण स्वयं उच्चारित हो स्वर वर्ण या संस्कृत में अच कहलाता है। यानी अच किसे कहते हैं, अब संस्कृत पढ़ा रहे, संस्कृत है, संस्कृत का अपन अध्ययन कर रहे हैं, तो संस्कृत में वर्ण जो स्वर वर्ण है उनको क्या कहते हैं। तो जो स्वयं उच्चारित होता है, जो वर्ण स्वयं उच्चारित होता है वह स्वर वर्ण या संस्कृत में अच कहलाता है। यानी मतलब संस्कृत में जो वर्ण है जो स्वयं उच्चारित होता है उसे हम अच कहते हैं, और जो
मात्रा के माध्यम से उच्चारित होता है वह हल कहलाता है संस्कृत में, और ये हिंदी में इसको व्यंजन वर्ण कहते हैं। अब ये अच वर्ण जो है वो 13, इनकी संख्या 13 है, और जो आ से औ तक आते हैं, और उसके बाद लिर विर और रिर, ये 3 वर्ण और इसमें मिल जाते हैं, तो इस प्रकार से ये 13 वर्ण हो जाते हैं। ये है स्वर वर्ण। अब दूसरा है व्यंजन वर्ण, जो स्वर उच्चारित ना होकर, मैंने पहले भी अभी बताया, जो वर्ण स्वर उच्चारित होते हैं वह स्वर वर्ण कहलाते हैं, और जो मात्रा के माध्यम से, मात्रा के द्वारा उच्चारित होते हैं वह व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। संस्कृत में इन्हें अच और स्वर को अच और व्यंजन को हल कहते हैं। इस प्रकार से अब अच की संख्या 13 है और हल की संख्या 33 है। ये का से हा तक है और ये आ से औ तक है। और इसके बाद तीसरा वर्ण जो है अयोगवार, इसके अंतर्गत अनुस्वार, अनुस्वार मतलब चंद्रबिंदु, यानी ऊपर शब्द वर्ण के ऊपर जो चंद्रबिंदु लगाई जाती है उसे हम अनुस्वार कहते हैं। और विसर्ग यानी वर्ण के बगल में जो बिंदु दो रखाई जाती है वह विसर्ग कहलाती है। जिवहा मूलक मूल्य यानी जिवहा के द्वारा जिस वर्ण का उच्चारण होता है वह जिवहा मूली कहलाता है, और जो का है, और उपज्य मुमानी जो पा है, ये 4 वर्ण ये हैं। इस प्रकार से ये 50 वर्ण होते हैं। अब हमको ये देखना है कि स्वर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। अब स्वर वर्ण जैसे आपने हिंदी में ही पढ़ा है स्वर वर्ण, स्वर और व्यंजन, तो स्वर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं, लेकिन संस्कृत में 3 वर्ण होते, 3 प्रकार के होते हैं। पहला है ह्रस्व स्वर यानी छोटा, दूसरा है दीर्घ स्वर यानी बड़ा, और तीसरा है प्रलुप्त स्वर यानी जो मतलब 3 उससे वर्ण से बनता है, जैसे उसके बीच में मतलब 3 बनाया जाता है, जैसे मान लो जैसे ओम लुप्त स्वर का उदाहरण है, उदाहरण ओम, तो अपन हिंदी में ओम को यह ऊपर चंद्रबिंदु लगाते हैं, और संस्कृत में ऐसा लिखते हैं ओ और ये 3 बना दिया और ये माँ, तो ये इस प्रकार से संस्कृत में ओम लिखाता है। तो ये 3 जो है ये मतलब लुप्त मूली, लुप्त स्वर कहलाता है यानी प्रोक्त यानी लुप्त, जिसके अंतर्गत जो व्यंजन है वर्ण है वह लुप्त रहता है, उसकी जगह पर हम ये 3 अंक लिख देते हैं, ये प्रोक्त व्यंजन प्रोक्त स्वर कहलाता है। तो ये इस प्रकार से ये स्वर वर्ण के 3 प्रकार होते हैं, ह्रस्व स्वर यानी छोटा आ आ आ ई उ, ये 3 जो है वो मतलब आ ई उ ऋण और लिर, ये मतलब 5 जो है ह्रस्व स्वर है, और आ ई उ ऋण ए ओ औ ये मतलब दीर्घ स्वर है। तो इस प्रकार से ये स्वर वर्ण का मतलब विभाग, स्वर वर्ण का विभाजन हुआ, स्वर वर्ण के प्रकार है ये। अब इस प्रकार से हम वर्णों के, यहाँ तक हमने पढ़ा अयोग वर्ण और ये व्यंजन वर्ण और स्वर वर्ण, ये 3 हो गए वर्ण के प्रकार। फिर उसके बाद में हमने देखा कि
स्वर वर्ण के कितने प्रकार होते हैं, तो स्वर वर्ण के ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्रयुक्त स्वर, ये तीन प्रकार के स्वर वर्ण हैं। अब इसके आगे और पढ़ेंगे कि मतलब और मतलब इसमें मतलब कौन सा स्वर वर्ण जो है कहाँ, इसका स्थान कहाँ पर है, मतलब कैसे मतलब कौन से स्थान से इसका उच्चारण होता है, ये आगे हम अभी पढ़ेंगे। हाँ, तो अब क्या है स्वर के प्रकार, स्वरों के अन्य तीन प्रकार होते हैं, पहला है उद्दात, दूसरा अनुद्दात और तीसरा स्वरित। अब इनको मतलब देखना है कि अनुद्दात के अंतर्गत कौन से वर्ण आते हैं, उद्दात के अंतर्गत कौन से वर्ण आते हैं और स्वरित के अंतर्गत कौन से वर्ण आते हैं, उद्दात क्या है। अब उद्दात तालु आदि के उच्च भाग से उच्चारित वर्ण को उद्दात कहते हैं, मतलब तालु ये जीव के नीचे और ऊपर ये तालु है, तो तालु यानी जीव के ऊपर के भाग से उच्चारित वर्ण जो जीव के ऊपर के भाग से जो वर्ण का उच्चारण होता है वह उद्दात कहलाता है, और अनुद्दात तालु के निम्न भाग यानी जीव के नीचे के भाग से जो वर्ण का उच्चारण होता है वह अनुद्दात कहलाता है। मतलब उद्दात और अनुद्दात यानी तालु जीव के ऊपर और नीचे, ये जीव के ऊपर के भाग से जिस वर्ण का उच्चारण होता है या जिस स्वर का उच्चारण स्वर वर्ण का उच्चारण होता है वह उद्दात कहलाता है, और जिस स्वर वर्ण का उच्चारण तालु यानी जीभ के नीचे के भाग से उच्चारण होता है वह अनुद्दात कहलाता, और स्वरित तीसरा है प्रकार स्वरित मध्य भाग यानी जीभ से मध्य भाग से उच्चारित वर्ण को स्वरित कहते हैं। मध्य भाग से यानी बीच के भाग से जिस वर्ण का उच्चारण होता है वह स्वरित कहलाता है। अब व्यंजन वर्ण को वर्गों में व्यक्त, अब व्यंजन का है व्यंजन वर्ण जो है, अब ये तो हो गया स्वर वर्ण, अब हो गया व्यंजन वर्ण। अब व्यंजन वर्ण जो है, व्यंजन मतलब व्यंजन के अंतर्गत मतलब का खा गा गा जो मात्राएं ना है, जो मतलब मात्राएं नहीं है उनको मतलब व्यंजन कहते हैं। तो अब इन व्यंजनों को पांच वर्गों में विभक्त किया गया है, पहला है का वर्ग, दूसरा है चा वर्ग, तीसरा है टा वर्ग, यानी पहला है का वर्ग, दूसरा है चा वर्ग और तीसरा है टा वर्ग, चौथा है ता वर्ग और पांचवा है पा वर्ग। ये मतलब अब का वर्ग के अंतर्गत कौन कौन से व्यंजन आते हैं, का वर्ग के अंतर्गत का खा गा गा और इंगा, ये का वर्ग के अंतर्गत ये व्यंजन आते हैं। इसी प्रकार चा वर्ग के अंतर्गत कौन कौन से व्यंजन आते हैं, चा वर्ग के अंतर्गत चा छा झा झा या, ये पांच आते हैं। इसी प्रकार से टा वर्ग के अंतर्गत टा ठा ढा ढा अणा, और ता वर्ग के अंतर्गत ता था धा धा ना, और पा वर्ग के अंतर्गत पा पा वा वा मा, ये व्यंजन ये पांच वर्ग है का 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 चा टा और ता और पा, ये पांच वर्ग है और इन पांच वर्गों के अंतर्गत ये इतने वर्ण आते हैं, यानी ये पचम 25 वर्ण हैं, ये यानी हर वर्ग में पांच पांच वर्ण हैं, तो ये 25 वर्ण हो जाते हैं। उसके बाद अब यहाँ पर दिया गया है कि उक्त वर्णों के उच्चारण में जीव के आगे का भाग ये, और फिर उसके बाद मध्य भाग और फिर पीछे का भाग, इनका प्रयोग जीव का इनका प्रयोग होता है, जीव के जो अग्रभाग है मध्य भाग और पीछे का भाग है इनका मतलब प्रयोग होता है उक्त वर्णों के उच्चारण में, यानी का से लेकर के माता क
का से लेकर के माँ तक के जो वर्ण हैं उनका उच्चारण जीव के अग्रभाग से, मध्य भाग से और पीछे के भाग से होता है। भाग इसका मतलब जीव का स्पर्श होता है। अब इसके बाद में अंतस्त, अब व्यंजन का क्या है, अंतस्त व्यंजन और उष्म व्यंजन, ये दो प्रकार के व्यंजन है, अंतस्त और उष्म है। और अंतस्त व्यंजन क्या है, अंतस्त व्यंजन ये वर्ण स्पर्श एवं उष्म के बीच आते हैं, ये वर्ण जो है स्पर्श एवं उष्म के बीच आते हैं, ये है या रा ला और बा, ये चार वर्ण, ये चार ध्वनि है, वर्णों की चार ध्वनि। तो ये स्पर्श एवं उष्म के बीच, ये मतलब जो है ये चार वर्ण जो है वो अंत्यस्त व्यंजन कहलाते हैं। और ये सा सा और हा, ये सा सा और ये हा, ये उष्म व्यंजन कहलाते हैं। सा सा ये या रा लावा, ये अंत्यस्त व्यंजन है। और सा 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 हा ये जो है उस मतलब उष्म व्यंजन। अब उष्म व्यंजन क्या है, उष्म व्यंजन जिसमें मतलब उच्चारण करने से मुंह से गर्म हवा निकलती है, जिन व्यंजनों के उच्चारण से मुंह से गर्म हवा निकलती है वो इस मतलब उष्म व्यंजन कहलाते हैं। ये है सा सा शा और हा, ये चार व्यंजन है। अब मैंने आपको ये बताया था कि अड़ा और अड़ा ये शब्द के मध्य और अंत में प्रयोग होते हैं, मतलब ये उसके अंतर्गत बताए कि वर्ग के अंतर्गत का वर्ग चा वर्ग टा वर्ग इनके अंतर्गत जहाँ अड़ा और अड़ा जो डा और ढा से बने हुए हैं और ये शब्द के मध्य और अंत में प्रयोग होते हैं, जैसे लड़का सड़क घर कड़ा आदि, ये मतलब बीच में आते हैं, जिनके नीचे जड़ा और डा के नीचे अगर बिंदु है तो ये शब्द के बीच में या अंत में लगेंगे। और यदि इन वर्णों के नीचे ये बिंदु ना लगी हो तो ये शब्द के प्रारंभ में प्रयोग होते हैं, शब्द के प्रारंभ में आते हैं। जैसे मतलब ये मतलब जिन पर बिंदु लगी हुई होती है, जैसे लड़का, अब यहाँ पर ये आ पर बिंदु लगी है इसीलिए इस पे ये बीच में आया। सड़क, अब इसके डा के नीचे मतलब ये बिंदु लगी हुई है तो ये बीच में आया। अब जैसे गढ़ है तो इसमें भी मतलब बिंदु लगी है तो ये शब्द के अंत में आया है। कड़ा, ये भी शब्द के अंत में, यानी कहने का मतलब ये है कि जिस डा और ढा के नीचे अगर बिंदु लगी हुई है या बिंदु का प्रयोग किया जाता है तो ये वर्ण जो है वो शब्द के मध्य में या अंत में आएंगे। और यदि इनके नीचे बिंदु ना लगी हो तो ये शब्द के प्रारंभ में ही आते हैं। यह हो गया आ और आ, ये इनके इन वर्णों के प्रयोग की मतलब नियम या प्रयोग की बात। अब उसके बाद में उच्चारण में वायु प्रक्षेप, वायु निकलने की दृष्टि से या काकल के आधार पर वर्णों के दो प्रकार है। अब मतलब क्या है, वर्णों के दो प्रकार बताए गए हैं किसके आधार पर, ये मतलब वायु निकलने की दृष्टि से, यानी जब हम किसी वर्ण का प्रयोग करते हैं तो उसमें हमारे मुंह से वायु निकलती है, इसके आधार पर या काकड़ के आधार पर वर्णों को दो प्रकार बताए गए हैं या वर्णों को दो प्रकार से विभाजित किया गया है। पहला है अल्प प्राण और दूसरा है महाप्राण। इस प्रकार से जब हमारे मुख से वायु निकलती है
उसके आधार पर या काकाल के आधार पर वर्णों को दो वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला है अल्प प्राण और दूसरा है महाप्राण। अब अल्प प्राण के अंतर्गत क्या है, निम्नलिखित वर्ण आते हैं, ये इस प्रकार है का खा गा घा या टा ठा डा ढाणा पा पा वा भा मा। उसके प्रकार उसके बाद अंतस्थ व्यंजन या रा लावा और सभी स्वर जो आ आ ई यू और है ये, और अनुस्वार अंकी बिंदु, ये मतलब अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। ये वर्ण जो है यहाँ पर ये अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। अगर परीक्षा में आपसे ये पूछा जाए या मतलब ये उदाहरण में दे दिए, परीक्षा में दे दिए और कह दिया कि इन वर्णों को बताइए ये क्या मतलब अल्प प्राण है या मतलब महाप्राण है या अल्प प्राण के मतलब वर्णों को बताइए, तो ये ध्यान रखना है कि कौन कौन से वर्ण अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं और कौन कौन से वर्ण महाप्राण के अंतर्गत आते हैं, ये अपने को ध्यान में रखना है। अल्प प्राण के अंतर्गत पूरे मतलब जो वर्ग है का वर्ग और तृतीय का वर्ग और पंचम पा वर्ग, इनके अंतर्गत जो वर्ण आते हैं वो, और अंतस्थ वर्ग व्यंजन या अलावा और सभी स्वर यानी जो स्वर है पूरे वो आते हैं और अनुसार अंकी बिंदु, ये मतलब अल्प प्राण के अंतर्गत ये वर्ण आते हैं। अब महाप्राण, महाप्राण ध्वनियों के उच्चारण में वायु की पर्याप्त मात्रा होती है। अल्प प्राण में क्या वायु की मात्रा निकलती है लेकिन कम निकलती है और हा की ध्वनि बहुत कम निकलती है, यानी जो अल्प प्राण की मतलब जो है उसमें जो वर्ण है उनमें वायु की मात्रा कम निकलती है, निकलती है लेकिन कम निकलती है और हा की ध्वनि भी कम दिखाई पड़ती है, जबकि महाप्राण में वायु की मात्रा अधिक होती है और हा आकार की ध्वनि ज्यादा होती है, आकार की ध्वनि निकलती है, इसीलिए ये महाप्राण वर्ण कहलाते हैं। इसके अंतर्गत खा घा चा छा ठा दा था था धा फा और भा, ये शब्द ये वर्ण मतलब महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। अब ये हो गया मतलब वायु के आधार पर, वायु निकलने के आधार पर या काकल के आधार पर वर्णों का विभाजन, ये हो गया। अब उसके बाद में एक और है अनुतान शब्द। अनुतान शब्द क्या है इसको मतलब समझना है, तो संगीत में जैसे हम कहते हैं कि संगीत में मतलब लय के उतार चढ़ाव, उतार चढ़ाव को लय कहते हैं, किसी भी गीत को या संगीत को अच्छा सुंदर और अच्छा बनाने के लिए अच्छे लय से कहते हैं ना कि लय में गाओ, तो इस लय को ही अनुतान कहा जाता है। जैसे किसी भाव को यानी जब हम किसी भाव को हमारे मन में जो भाव उत्पन्न होते हैं उनको प्रकट करने के लिए ध्वनियों के कंपन, उनको प्रकट करने में जो ध्वनि में कंपन यानी कंपन होता है उसे उस कंपन के उतार चढ़ाव को, उस कंपन के उतार चढ़ाव को अनुतान या लय कहा जाता है। यानी जब हम किसी भाव को व्यक्त करते हैं उस समय जो कंपन होता है उस कंपन के उतार चढ़ाव को अनुतान कहा जाता है या लय कहा जाता है, जो संगीत के लिए महत्वपूर्ण है और या किसी गीत के लिए महत्वपूर्ण है। अब इसके बाद ये मतलब क्या है कि जब हम हर्ष का भाव, शोक का भाव, आश्चर्य का भाव, घृणा का भाव या तिरस्कार का भाव व्यक्त करते हैं तो हमें इस लय की या अनुतान की आवश्यकता पड़ती है। यहाँ पर जब हम
किसी वर्ण पर या वाक्य पर बोलने के लिए जब हम जोर देते हैं या उस पे ज्यादा मतलब जोर से यानि बोली में जब जोर आता है या अधिक ऊंचाई अधिक ऊंचे बोलते हैं या कम बोलते हैं तो उसे बलाघात कहा जाता है या स्वराघात कहा जाता है। जब उच्चारण के समय जब स्वरों पर अधिक बल पड़ता है आवाज पर जब अधिक बल पड़ता है तब उसे बलाघात या स्वराघात कहा जाता है। अब ये बलाघात यानी यहाँ पर बलाघात का मतलब बलाघात की परिभाषा या बलाघात क्या है इसके बारे में बता रहा हूँ कि उच्चारण के समय जब स्वरों पर अधिक बल पड़ता है तब उसे बलाघात या स्वराघात कहा जाता है। यानी जब हम बोलते हैं किसी भी स्वर को बोलते हैं तो उसके बोलने में कम या ज्यादा जोर पड़ता है उसे हम स्वराघात या बलाघात कहते हैं। ये तीन प्रकार के होते हैं, तीन तरह के होते हैं। पहला है वर्ण बलाघात, दूसरा है शब्द बलाघात और तीसरा है वाक्य बलाघात। वर्ण बलाघात जब वर्ण के ऊपर जब किसी वर्ण को बोलना पड़ता है जो आखिरी में या शब्द में जब किसी वर्ण पर अधिक जोर देना पड़ता है तो वह वर्ण बलाघात होता है और जब किसी शब्द पर बोलने में अधिक जोर देना पड़ता है या अधिक उच्चारण और जोर से बोलना पड़ता है तो वह शब्द बलाघात कहलाता है। और जब हम किसी वाक्य को यानी वाक्य को बलपूर्वक अधिक बल जोर से बोलते हैं तो वहां पर ये वाक्य बलाघात कहा जाता है। वर्ण बलाघात जब और ये शब्द बलाघात इसके कारण वाक्यों के अर्थ में अर्थ स्पष्ट होते हैं और वाक्य बलाघात में वाक्य भिन्न भिन्न पदों पर बलाघात के कारण भाव में अंतर आता है। यानी भिन्न भिन्न पदों पर जैसे अब यहाँ पर दिया है उदाहरण के तौर पे कि पिताजी ने प्रवर को आज 10 रुपए दिए। अब यहाँ पर मतलब पिताजी ने ही यानी यहाँ पर स्पष्ट हो गया यहाँ पर वाक्य में जोर पड़ रहा है वाक्य को मतलब एक बलपूर्वक कहा जा रहा है कि पिताजी ने ही प्रवर को आज मतलब आज ही 10 रुपए दिए हैं। मतलब यहाँ पर पिताजी ने और आज मतलब इससे स्पष्ट होता है कि पिताजी ने ही प्रवर को आज ही 10 रुपए दिए हैं तो ये हो गया वाक्य बलाघात। तो इस प्रकार से ये बलाघात हो गए। अब ये वर्ण के संबंध में जो बताया वर्ण क्या है ये कितने प्रकार के होते हैं और बलाघात और जो मतलब है अब इसके बाद हमको ये देखना है कि कौन कौन से वर्णों के स्थान कहाँ कहाँ पर है ये बाद में देखेंगे अपन। आज यहीं तक करते हैं।